नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव। कोरोना का दौर चल रहा है, देश लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, पर आप सबको याद होगा एक दौर ऐसा भी था जब बहुत से लोग अपनी जगहों पे फंस के रह गए थे। महाराष्ट्र के मुंबई बांद्रा टर्मिनल पर भीड़ का जमावड़ा सा लग गया था। ज्यादातर लोग प्रवासी मजदूर थे जिनको उत्तर प्रदेश या बिहार अपने घर जाना था। वहाँ पे हंगामा होता है और इस न्यूज़ को समाचार पत्रों और टीवी पे काफ़ी प्रमुखता से दिखाया गया। इसमें एक नाम उभर के आया, वो नाम था विनय दुबे। विनय दुबे जी फेसबुक पेज पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उनका टोन और उनका अंदाज ही उनकी पहचान है। तो आइए चैनल के माध्यम से आपको रूबरू कराते हैं विनय दुबे जी से। विनय जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्स न्यूज 24 में। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपको वैसे तो कोई पहचान की जरूरत नहीं है, आपको सोशल मीडिया पे तो बहुत से लोग पहचानने लगे हैं, बट फिर भी हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपने एजुकेशन के बारे में, और आप कैसे इस तरह से मुहिम में जुड़ गए? एक्चुअली मैं बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट मुंबई हूँ, यहाँ पे ही पैदा हुआ, सुखचंद स्कूल वगैरह सब यहीं पे हैं। और जिस तरह से एक एनजीओ के माध्यम से अपनी कॉर्पोरेट लाइफ की, मेरी स्टेटल लाइफ की, उसको छोड़ के एक एनजीओ के माध्यम से लोगों की मदद करना चालू किया, उसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत परेशानी और हैरेसमेंट शुरू हो गई। जिस तरह से उनके चीज़ों को लेके ऑब्जेक्शंस लेता था, तो धीरे धीरे वो डिस्प्यूट हमारे बीच में, मेरी और गवर्नमेंट के बीच में शुरू हुई। पहला उन्होंने शुरुआत किया हरेस करना, पिताजी को पुलिस स्टेशन बुला कर बिठा देना, घर की लाइट डिस्कनेक्ट कर देना, बार बार पुलिस का आना, गुंडों का आना, तो ये सारी चीजें शुरू हुई उस दौर में। उसके बाद फिर मैं एग्रेसिव एक्टिव में इसमें आया, और उसके बाद जब मैं शुरू किया था वो परेशान हो गए। तो फिलहाल पब्लिक के इश्यूज पे बातें रखना, जो गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठाना। पहली बार अरेस्ट हुआ था तो बहुत डर लगा था कि अब क्या होगा, जीवन कैसा है। और लास्ट बांद्रा में जब ये अरेस्ट हुआ, उस दौरान लगभग इतनी बार अरेस्ट हो चुका हूँ या वो दूसरा घर हो चुका है। पुलिस, FIR, जेल, ये सब अब एक नॉर्मल मेरे जीवन का हिस्सा हो चुका है। तो वो डर अब नहीं रहा मेरे अंदर जो पहले था। इसके लिए खुल के एक बेबाक तरीके से अपनी बात रखता हूँ। जी जी, वो सोशल एक्टिविस्ट मेरा लेना देना नहीं है, जब भी जहां भी गलत होगा उसके खिलाफ बोलता हूँ, और कट्टर एंटी बीजेपी हूँ मैं। अच्छा जी, इसके पहले आपने कभी किसी पॉलिटिकल से संबंध रखा है, पार्टी से, या आपने कभी चुनाव लड़ा है कोई? जब मेरा बिजनेस फुल स्विम में था, मैं ऑलमोस्ट पूरे कंट्री ट्रेवल करता था, बीच में उत्तर प्रदेश भी मेरे बिजनेस टर्म से 2010-2011 में जी। उस समय पे विधानसभा इलेक्शंस में लोगों ने, वहां पे एक अच्छी यूथ है मेरे साथ में, उत्तर प्रदेश खास करके बनारस, भदोही और इलाहाबाद के जो 110 किलोमीटर का दायरा है, वहां पे एक अच्छी खासी टीम है मेरी यूथ की। तो उन्होंने बहुत फोर्स किया कि विनय जी एक बार इलेक्शंस में आया जाए। तो उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2012 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में 388 वाराणसी उत्तरी सीट से मैं उम्मीदवार था उनके पार्टी से। बट वो जस्ट एक महीने का हमारा सफर था, वो कोई पॉलिटिकली ऐसा हमारा अटैचमेंट नहीं था। इलेक्शंस तक थे, उसके बाद कमेटी भंग हो गई, हमने भी अपने धंधे व्यापार पे फोकस किया। वो एकमात्र मेरा वो था जिसमें कि किसी पॉलिटिकली इंटरफेरेंस में मैं था, बट उसके अलावा कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना होने की कोई ऐसी आशंका या कुछ दिमाग में है। अच्छा, आप इतना एग्रेसिव क्यों रहते हैं, खासकर सोशल मीडिया पे, जिसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे तो आप बहुत सिंपल लग रहे हैं मुझे सामने से। मैं बहुत ही, मैंने आज तक, मेरे जो लोग जो जानते हैं मुझे, व्यक्तिगत तौर पे जो मिलते हैं, मैं किसी को भी आज तक ये बात है प्रोफेशनल, बट जैसे जिस तरह से हैरेसमेंट मेरे लाइफ में हुई है मेरे साथ में, गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उसके बाद एक गुस्सा मेरे अंदर हमेशा रहा है। और जब भी मैं उस रोल में होता हूँ, मैं हमेशा अलग अलग किरदार निभाता हूँ। जब घर में हूँ या सोशल लाइफ में हूँ, किसी सोशल कॉज में हूँ, तो मैं एक अलग आपको विनय दुबे दिखेगा, तो आप सोचेंगे कि अरे ये तो इतना भड़काऊ है या गाली गलौज करता है या उस तरह का है, बट यहाँ पे तो एकदम अपोजिट है। मैं जिस किरदार, जिस जैसी स्थिति होती है, उस किरदार में मैं अपना रोल अदा करता हूँ।
आप मुझे जब सोशल मीडिया पे देखते हैं तो मुद्दे ज्वलंत होते हैं, किसी के साथ अन्याय हुआ रहता है, तो अपने आप को मेरी वो मेरे साथ जो प्रताड़ना हुई है पास्ट लाइफ में वो सारी अंदर आ जाती है, उसके बाद फिर जो निकलता है उसको आप एग्रेसिवनेस कहते हैं, बट वो मेरे लिए नॉर्मल होता है क्योंकि जो चीजें मैंने झेली हैं, जिस तरह से ये सफर रहा है मेरा लास्ट 4 सालों का, उसमें ये चीजें निकल के आती है, वो फीलिंग्स अपने आप जाग जाती है। और एग्रेसिवनेस अभी मैंने बहुत कम कर दिया है, मेरी जो शैली है या जो भाषा है उसको बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लेडीज वर्ग हैं, वुमेन्स हैं, वो कहती हैं कि सर हम आपकी वीडियोस फैमिली में बैठ के नहीं देख सकते, थोड़ा सा उसको आप कंट्रोल करें शब्दों को। तो अब धीरे धीरे थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरा जो एक्चुअल जो बोलते हैं ना खुल के बात करना, मेरा वही तरीका है, जब तक मैं इनको गालियां ना दूं तब तक ऐसा नहीं लगता कि मेरी वीडियो कंप्लीट हुई है। जी जी बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद ऐसा ही कोई कारण होगा आपका। अच्छा, बांद्रा के बारे में हम इसलिए पूछना चाहते हैं क्योंकि बांद्रा के वजह से ही आप लाइमलाइट हुए थे आप, और उसके वजह से लोगों के बीच में ज्यादा पहचान बनी। तो ऐसा क्या हुआ था उस दिन बांद्रा पे जब भीड़ इकट्ठा हुई, उसको आपसे कैसे जोड़ दिया गया अचानक? देखिए, बांद्रा का जो मामला था वो एकदम ही अलग था। मैंने लगभग 1 अप्रैल से मैंने अपनी एक मुहिम चालू की थी, जब लॉकडाउन एकदम बीच में पहुंचा हुआ था, मैंने देखा कि बहुत सारे मजदूर हैं जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, जो डेली काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, अब धीरे धीरे उनके पैसे खत्म हो गए, उसके बाद में लोगों से उधार लेना, मकान मालिक से उनकी गड़बड़, मतलब ये सारी चीजें जो डिस्प्यूट थी वो चालू हो गई थी। और एक मुंबई में उत्तर भारतीयों की तरफ से मैं हमेशा से सक्रिय रहा, तो मुझे मैसेजेस आने शुरू हुए, मेरी बसेस चलती हैं मुंबई से बनारस के लिए, मैं बसेस चलाता हूँ, नॉर्मली डेज में भी चलाता हूँ, ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन की वजह से ही चलती है, मेरा नॉर्मली एक छोटा सा वो एक सोशल कॉज है वो, जब उत्तर भारत में रेलवे टिकट्स नहीं होती हैं तब मैं मुंबई टू वाराणसी बस सेवा देता हूँ, और ये पिछले 3-4 सालों से देता हूँ। तो उसको देखते हुए लोगों का एक अप्रोच हुआ कि सर हमें गाँव जाना है, व्यवस्था करिए, तो वो चीज़ों को देखते हुए मैंने 7 अप्रैल 2020 को मैंने परमिशन के लिए निवेदन किया सारे राज्य सरकारों को, महाराष्ट्र को किया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, सारे राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों को मैंने निवेदन भेजा ईमेल के माध्यम से कि मुझे बसेस चलाने की परमिशन दी जाए जो मजदूरों को ले जाएगी, वो भी निःशुल्क है, इसमें कोई कॉस्टिंग या कोई चार्जेस हम नहीं ले रहे हैं उनसे। उस आधार पर मैंने मांगा, वो 7 अप्रैल के बाद वो चीजें जब मैं रखना चालू किया, उसके बाद मजदूरों का एक 14 तारीख को जब मोदी जी आते हैं और लॉकडाउन एक्सटेंड कर देते हैं, उसके बाद उनका सब्र टूट जाता है। बांद्रा में जो हुआ वो और मेरा जो रोल था उसमें कोई भी आपसी संबंध नहीं थे, मेरा एक अलग मूवमेंट चल रहा था, मैंने 18 अप्रैल के लिए घोषणा की थी, 14 तारीख को बांद्रा का हुआ। मुंबई पुलिस को भी एक आरोपी चाहिए था दिखाने के लिए, क्योंकि 1000 लोगों को आप आरोपी बना के कोर्ट में हाजिर करना, मतलब ये फिजिबल नहीं होता है किसी भी पुलिस स्टेशन या पुलिस के लिए, तो उनको एक आरोपी चाहिए था, और मैं एग्रेसिवली अपनी बात रख रहा था सोशल मीडिया पे, और ये चीज लिंक हो गई आपस में, उसकी वजह से बांद्रा पुलिस ने मुझे आरोपी बना दिया। लेकिन जब कोर्ट में सारी प्रोसीडिंग हुई, सारी चीजें हुई, तो वहां पे पता चला कि भाई इस कांड में विनय दुबे का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ना मेरी वहां पे कोई विजिट हुई है, ना मेरी कोई विजिट हुई है। अगर आपको कहीं दंगा या कुछ आपको आंदोलन करने हैं तो कम से कम आप वहां के लोगों से या किसी से तो आप संपर्क करोगे, तो कम्युनिकेशन का कोई तो तरीका होगा, या तो कॉल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से कोई तो कम्युनिकेशन होगा। लास्ट 6 महीने में मेरी कोई भी लोकेशन बांद्रा की नहीं मिली पुलिस को, ना मेरा ऐसा कोई कम्युनिकेशन पुलिस को मिला जिसमें कि बांद्रा का कनेक्शन हो, लास्ट 6 महीने का मैं बता रहा हूँ। तो उनको लगा कि हमने गलत बंदे को उठा लिया है, और फिर धीरे धीरे जब कोर्ट में चीजें हल्की होती गई, उसके बाद मुझे ये सारे नॉन वैलेबल आरोप लगे थे, उसके बाद कोर्ट ने भी समझा कि इसका तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बेल दे दिया गया, और बांद्रा सिर्फ एक चेहरा चाहिए था, एक आरोपी चाहिए था जो बना दिया गया। अभी आपने कहा था कि कुछ मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले अपना वीडियो बना के कि आपको फिर से ऐसा कुछ शक है कि फिर से पुलिस आपको उठा सकती है और कोई ऐसा केस डाल सकती है जिसमें आपको फंसाया जा सकता है, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? देखिए, मेरा एक नेटवर्क है, सरकारी लोगों में भी एक नेटवर्क है, पत्रकारों में भी नेटवर्क है, जिसकी वजह से मुझे इनपुट्स मिलती हैं, कहीं कुछ गलत हो रहा है या कहीं कुछ संभावनाएं हैं तो उसको देखते हुए मुझे जानकारी लेता हूं और लोगों तक अपडेट करता हूँ कि ये चीजें होने वाली हैं। तो उसी के नेटवर्क के माध्यम से रासुका की तैयारियां हो रही हैं, ऐसा इनपुट मुझे मिला है, वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हो चाहे गुजरात
जहां पे बीजेपी शासित है वहां से ये रासुका के इसमें मुझे 100% है अगले कुछ दिनों में ये प्रक्रिया कर रहे हैं और मुझे गिरफ्तार, वही चीज मेरे साथ भी होगा अगले एक साल तक शायद जेल में रखे या उससे ज्यादा भी रखे, जो नाकाम हुई है उठा रहा हूँ, प्रूफ के साथ उठाता हूँ, एविडेंसेस देता हूँ कि सर ये एविडेंसेस है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इनको अब लगने लगा है कि विनय दुबे अब सरकार के लिए खतरा हो रहा है। अब वो कोई ऐसा इलीगल काम तो कर नहीं रहा हूँ, कोई नियम या कोई आईपीसी की धारा तोड़ नहीं रहा हूँ जिसपे वो मुझे अरेस्ट करे, तो उनके पास एक प्रिवेंटरी एक्ट है जो रासुका हम लोग कहते हैं, उसके अंतर्गत वो उठा के जेल में डालेंगे। यही एक ऑप्शन उनके पास बचा भी हुआ है, क्योंकि मैं कहीं पे भी कोई नियम नहीं तोड़ रहा हूँ, कोई लॉ नहीं तोड़ रहा हूँ, उनके पास जो एकमात्र हथियार है वो। आवाज आ रही है सर आपको? हाँ, नेटवर्क ही चला जा रहा है बीच बीच में, थोड़ा सा उसी वजह से बीच बीच में ब्लिंक हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम है हमारे देश में, पूरे दिन भर में ऐसा कई बार होता है। इसके अलावा आपने प्रॉब्लम तो 2014 से ही है सर। हाँ जी, आप ये कह सकते हैं, ये नेटवर्क वाली प्रॉब्लम तो मैं देख रहा हूँ और कई सालों से है कि 2G वाली की स्पीड उससे ज्यादा मिल नहीं रही हम लोग को, और आजकल तो बिल्कुल भी बहुत बुरा हाल है क्योंकि लोग घर पे रहते हैं, ज्यादातर नेट यूज कर रहे हैं, तो बहुत कह सकते हैं लोड होगा इसके ऊपर, ट्रैफिक बहुत है इस समय जी। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहता था कुछ मुद्दों के ऊपर जो आपने उठाए थे, हम उन पर बात करना चाहते हैं, जैसे कि मेरे ज्ञान संज्ञान में आता है कि सोनू सूद का मुद्दा आपने उठाया था, उनको आपको ऐसा क्यों लगने लगा, कब से लगने लगा, ऐसा क्या आपको मिल गया कि आपको लगा कि सोनू सूद जो कर रहे हैं वो एक फ्रॉड है, जैसा कि आपने वीडियो में आपने कहा था, और अभी आपने एक लेटेस्ट भी वीडियो बनाया है सोनू सूद के ऊपर आज से 2 या 3 दिन पहले, जिसमें आपने फिर उनका है कि एक और ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो आपको कैसे, कहां से और क्या आपको मिला? देखिए, जब आप सेम फील्ड में होते हैं तो अभी समझिए, एग्जांपल देता हूँ, अगर आप डॉक्टर हैं तो अगर कोई दूसरा डॉक्टर कोई दावा करता है तो आपको पता होता है कि वो दावा सही है या गलत है। मजदूरों को घर, वो भी घर भेज रहे थे, मजदूरों को हम भी घर भेज रहे थे, आज तक करीबन 1,40,000 के आसपास के मजदूरों की जो संख्या है, हमने भी उनको ट्रांजिट किया, ट्रांसपोर्ट किया, ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से, ट्रकों के माध्यम से, तो जो काम करने का जो ग्राउंड पे जो काम होता है मजदूरों के बीच में, वो देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ यार ये तो हमारे मजदूर अलग हैं, उनके मजदूर अलग हैं, हमारे मजदूर स्मार्टफोन यूज करते हैं बट वो यूट्यूब वगैरह गाना वगैरह देखने के लिए या बहुत हो गया, अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा मजदूर है या फिर लेबर है तो वो फेसबुक वगैरह चला लेता है, ट्विटर मजदूर ट्विटर इस्तेमाल करके ट्विटर पे हेल्प मांगता है और वो घर भी पहुंच जाता है, उसके बाद ट्वीट भी करता है और ये सपोर्ट भी करते हैं, उसको पहुंचा भी देते हैं। ये थोड़ा सा बोलते हैं ना कि एकदम काल्पनिक लग रहा था जिस तरह से उन्होंने शुरू किया, पहले मैं भी उनका मुरीद था, मुझे भी अच्छा लगा कि चलो कम से कम गरीबों के लिए कोई तो आगे आ रहा है, आज जब सरकारें फेल हो रही है तो कोई तो बंदा पर्सनल लेवल पे कर रहा है, एक अच्छी चीज थी, सहानुभूति थी उनके साथ में, बट उन्होंने इस चीज को एकदम अलग तरीके से ले लिया, वो भगवान बनने की कोशिश, देवता बनने की कोशिश में लग गए, लोगों को वीडियोज आने लगे, फोटोज आने लगे, हम थोड़े से अनकंफर्टेबल हो गए कि एक मजदूर वर्ग ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि हम दिन भर उनके साथ उठना बैठना है, उनको ट्रकों में बिठाना है, उनको ये तक पता नहीं होता है कि ट्रक पूर्व दिशा में जा रहा है कि पश्चिम दिशा में जा रहा है, बस बैठे हैं घर जा रहे हैं। उस समय टेक्निकली आप ट्विटर इस्तेमाल करोगे, उसके बाद जब मैंने उनको पोल खोला, जो सारी ट्वीट्स थी वो सारी अप्रैल महीने की बनी हुई है, जबकि सोनू सूद ने 10 मई के बाद घोषणा की कि मैं मजदूरों को छोड़ूंगा, तो मजदूरों को सपना थोड़ी आया है कि भाई 10-25 दिन के बाद सोनू सूद जी हमें गांव छोड़ेंगे, हमको ट्विटर बना के रख लेना चाहिए अकाउंट, तो वो सारी मैच नहीं हो रही थी, वो जो इतने भी दावे कर रहे थे ना वो मैच नहीं हो रहे थे। और उसके बाद मुंबई मेरा गढ़ है, मेरा घर है, ये मेरा होम ग्राउंड है, यहाँ पे मैं बस सर्विस चलाता हूँ, मुंबई से उत्तर प्रदेश मैंने बसेस भेजता हूँ, हर साल भेजता हूँ, तो जो बस ऑपरेटर का जो चैनल है, जो पूरा नेटवर्क है, वो बहुत लिमिटेड है, एक दूसरे से लोग कनेक्टेड है, तो मैंने वेरीफाई करना, भाई ये सोनू सूद जी हर दिन 10-20 बसें भेज रहे हैं, आखिर बस जा कहाँ से रही है, अगर भेज रहे होंगे किसी न किसी ऑपरेटर से उन्होंने रेंटेड लिया होगा या हायर किया होगा, बट मुझे अभी तक, आज लगभग 4-5 जुलाई होने आया, अभी तक एक बस ऑपरेटर ने कंफर्मेशन नहीं दी कि विनय भाई मेरी बसें गई हैं सोनू सूद के लिए, तो ये सब हवा हवा ही था। जब ट्रेनें चालू हुई, श्रमिक एक्सप्रेस जब चालू हुई, तो ये फोटो शूट कराने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते थे, वहां पे जाकर के लोगों को बाय करना, पब्लिक को भी अच्छा लगता है, ट्रेन के अंदर सारे एक एक्टर आया हेलो नमस्ते सोनू जी हाय हाय करते हैं, कोई भी करेगा, तो एक तरह से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया कि भाई मैं लोगों को गांव भेज रहा हूँ। मैंने रेलवे मिनिस्ट्री से, महाराष्ट्र शासन से भी रिपोर्ट मांगी कि भाई इन्होंने कितनी ट्रेनें हायर की है,
अगर इन्होंने ट्रेन हायर किया होगा तो कोई तो लेटरबाजी या एप्लीकेशन दी होगी आपको कि मुझे एक ट्रेन दे दो, एप्लीकेशन की कॉपी आपके पास होगी, जैसे हम देते हैं तो हमारी ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें, जितने लोग यहाँ से गए हैं आपने प्रूफ दिखाया था, रिकॉर्ड हमने आपने प्रूफ दिखाया था आपने, मैं डॉक्यूमेंट तक के बात करता हूँ सर, हमने भेजा है तो हमने तरीके से भेजा है, उसका हमारे पास एविडेंस है, हर व्यक्ति का आधार कार्ड उसकी डिटेल्स है, हमें भी पता होना चाहिए ना कौन सा व्यक्ति कहाँ ट्रेवल किया, कल को किसकी दुर्भावना से अगर समझो उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी होती है ना कि देखो ले जाके बस में मार दिया बेचारे को। अभी उनके फंड के ऊपर, अभी उनके फंड के ऊपर भी आपने क्वेश्चन उठाया कि उन्होंने जो अरेज किया है इसके लिए, वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ये लगा कि जब अब महाराष्ट्र में कोई मजदूर बच्चा नहीं है जो जाना चाहता है, जिसको जाना था वो जा चुका है, श्रमिक एक्सप्रेस के बाद नॉर्मल ट्रेनें चालू हो गई जिसमें रिजर्वेशन करके लोग निकल गए, जिसको आम पब्लिक भी चली गई, महाराष्ट्र लगभग अभी अभी मुंबई से खाली है मजदूरों और उत्तर भारत के लोगों के, जिसको जाना था वो निकल गया। इस समय लास्ट एक हफ्ता पहले इन्होंने वापस से वीडियो बना के क्राउड फंडिंग वेबसाइट के माध्यम से फंड क्रेज के लिए एक एप्लीकेशन वहां पे वीडियो चलाई, प्रमोशन चलाया कि हम मजदूरों को यहाँ से भेजना है उसके लिए आप पैसे दीजिए, यहाँ मजदूर है ही नहीं अभी, अब तो रिटर्निंग चालू हुई है, होम मिनिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र ने डिक्लेयर किया है कि अब करीबन 1 से 1.5 लाख मजदूर मुंबई वापस आ गए हैं जो दूसरे राज्यों में चले गए थे, अब रिवर्स हो रहा है और इस सिचुएशन में ये मजदूरों को गांव भेजने के लिए पैसे मांग रहे हैं, तो थोड़ा सा बोलते हैं ना कि काल्पनिक तौर पे लगता है कि भाई कर क्या रहा है बंदा, फंडरेज भी हो रहा है जी नाम पे जबकि मजदूर कोई है ही नहीं यहाँ पे बचा, जो भी है पासो तामझाम की सोनू सूद के पूरा फ्रॉड है जी जी। सोनू सूद ने एक स्टिंग भी आया था कोबरा वाला, उसमें भी लोगों ने उसको देखा, इसके वजह से मैच हुआ काफी चीजें कि हाँ उन्होंने तो पैसे लेके तैयार हुए थे वो पहले ट्वीट करने के लिए, और जो बंदा सर जो बंदा एक ट्वीट मारने का 5 लाख 10 लाख रुपया लेता होगा वो किस मुंह से मजदूरों का या किसी गरीब को मदद करता होगा, ये डाउट एक ऐसा छोटा सा ट्वीट मारने का ये डाउट आया था आपके दिमाग में, बिल्कुल सही कह रहे हैं पैसा, इसके पीछे साजिश ये थी कि जिस तरह से लॉकडाउन में मजदूर पैदल जा रहे थे वहां से जाते समय जब आवाज थोड़ी अभी नहीं आ रही है इस समय जी जी जी, तो जब मुसलमान जब रोजा चल रहा था उस दौरान जब मुसलमान भाई जब रस्तों पे निकल के मजदूरों को मदद कर रहे थे, ये देश के अंदर एक अच्छा मैसेज जा रहा था कि देखो जिसको कोरोना का फैलाने का कारण माना जा रहा है वो व्यक्ति रस्तों पे मदद कर रहे हैं, इसको देखते हुए इसको काउंटर करने के लिए बीजेपी आईटी सेल की तरफ से सोनू सूद जी को खड़ा किया गया, एक व्यक्ति उनको चाहिए था, उन्होंने देखा सोनू सूद इंटरेस्टेड है तो उनको, अब देखिए ना उनके जो फॉलोवर्स हैं या उनके जो ट्वीट्स आती है वो बीजेपी आईटी सेल के लोग ही क्यों होते हैं, एक साधारण इंसान क्यों नहीं है, जितने भी मजदूरों की मदद की उनकी आप उठा के देखो उनका प्रोफाइल आप देख लें तो सारे बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं जी जी, तो ये एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है देश के अंदर कि मुसलमान कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकता है, उसको काउंटर करने के लिए उनकी मेहनत को दबाने के लिए सोनू सूद को लाया गया, अगर इसमें यही एक मेरे को रीजन समझ में आता है क्योंकि इसके अलावा कुछ है नहीं उनके पास, और वो पूरा एक्टर है अपना पैसा क्यों खर्चा करेगा, वो भी लॉकडाउन जैसी स्थिति में जब सारे लोग पैसे बचाने में लगे हुए हैं कि घर चलाने में, इंडस्ट्री चल नहीं रही है, शूटिंग्स बंद है, उस सिचुएशन में 20-25 करोड़ रुपए आदमी खर्चा करेगा, मुझे लगता है उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता है जी, बिल्कुल आपकी बात में कुछ सच्चाई तो समझ में आ रही है दर्शकों को, और इसके अलावा आपने भी बाबा रामदेव के ऊपर भी कुछ बातें कही थी, पुराने कुछ मुद्दे उनको उठाए थे चंदन लकड़ी का, और इसके अलावा अभी कोरोना टैबलेट्स के ऊपर भी, उसके ऊपर आप कुछ बताना चाहें। देखिए बाबा रामदेव केवल व्यापारी है, धंधे वाला बंदा है, वो बिना प्रॉफिट लॉस के वो मुंह तक नहीं खोलता है, जो सोचिए अध्यात्म के नाम पे एक सेशन के नाम पे 5,000-5,000 रुपए का टिकट पटवा ले वो अध्यात्म और धर्म की बात करेगा, अच्छी चीजों की बात करेगा, हो भी नहीं सकता ना, वो बिना मतलब का मुंह नहीं खोलता बंदा, और सबसे बड़ी बात जिस कंपनी की ये दवा की बता रहे हैं कि दिव्य फार्मेसी से बनाया गया है वो कंपनी बेसन तक बनाने की कैपेसिटी नहीं रखती, बेसन सिर्फ उसको चक्की में घिस के लोगों को देना होता है वो तक करने में वो कैपेबल नहीं है, कितने ही 2012 से लेके 2016 तक हजारों सैकड़ों केसेस उपभोक्ता अदालत कंज्यूमर कोर्ट में है, केसेस इनके ऊपर FIRs हैं, उसके बावजूद भी ये कोरोना की दवाई बनाने की घोषणा कर देते हैं, होता क्या है अगले 4-5 दिनों के अंदर ही क्रैश हो जाता है, फिर बाद में ये खुद ही चिल्लाने लगते हैं छाती पीट पीट के कि हमने कभी कोरोना का नाम ही नहीं लिया, ये तो इम्यूनिटी बूस्टर है, जबकि सभी ने देखा था मंच पे बहुत गौरवान्वित तरीके से उन्होंने घोषणा की थी कि भारत का पहला कोरोना की दवाई हमने बना ली है,
तो जो धंधे वाला बनता है वो सिर्फ दुनिया को बेवकूफ बनाएगा और अपना बिजनेस चलाएगा, उसका बस एक ही काम है, उसको तो हम काउंट भी नहीं करते कि वो बाबा भी है, वो सिर्फ आसाराम और राम जैसे ही लोगों के बीच में ही जाने वाला है। जी बिल्कुल, अपने आंख की दवाई क्यों नहीं बना लेता वो अगर इतने पावरफुल है तो। सही कह रहे हैं। अच्छा, आप मुंबई में रहते हैं तो थोड़ा बहुत सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने सुसाइड कर लिया था उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नेपोटिज्म के ऊपर बहुत मुद्दा उठा था काफी पिछले हफ्ते, तो उसकी अगर आप कुछ अपना राय देना चाहें। सर, सबसे दुखद था वो घटना होना, एक अच्छा एक्टर चला गया हमारे बीच से। दूसरा ये था कि जिस पुलिस स्टेशन में मेरा बांद्रा का मामला चल रहा है उसी पुलिस स्टेशन में सुशांत सिंह की भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जिस अधिकारी ने बांद्रा कांड की इन्वेस्टिगेशन की वही अधिकारी सुशांत सिंह के आत्महत्या केस में भी है। मतलब जो चीजें मुझे पता चली हैं उसमें कहीं ना कहीं कहीं से भी इस तरह की जो लोग सोशल मीडिया पे चलाते हैं कि उसका मर्डर किया गया या उसको ये किया गया, ऐसा कुछ भी एंगल नहीं निकला है अभी तक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस है। मैं कुछ सोशल मीडिया के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वैसे तो ऑथेंटिक नहीं होता, लेकिन उनके गले में जो निशान आया था वो नीचे की तरफ था और वो ऐसा केवल दबाने से होता है, किनारे पंच का निशान था, ऐसा कुछ आपको लगा क्योंकि आप बता रहे हैं? जी ऐसा नहीं है। जो क्रिमिनल्स, आप समझिए, जो इस फील्ड में है, जो फॉरेंसिक में है या फिर जो प्रोफेशनली इस लाइन में है, उनको अगर आप पूछेंगे ये चीज तो आपको बता देंगे कि गले से आत्महत्या करने पे 22-23 तरीके के निशान बनते हैं। हम लोग जो नॉर्मल देखते हैं वो एक दो तरीका ही हमें पता होता है, बट ऐसे 22-23 अलग अलग हैं। ओ मार्क होता है, सी मार्क होता है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो क्या होता है, ये बातें लोगों को नहीं पता, ये बातें नहीं पता, ये बातें नहीं पता, तो वो कैसा होता है कि इमोशनली आके आप कुछ भी कर सकते हो या कुछ भी। जैसे अभी आप देखिए कि मैं जब वहां पे गया तो मुझे आतंकवादियों से जोड़ दिया गया, मेरा पाकिस्तान कनेक्शन निकाल दिया गया, मेरा मुसलमान बना दिया गया। वो उनकी भावनाएं थी, लोगों के अंदर एक गुस्सा रहता है उसको एक्सप्रेस करना है, या अगर आप किसी से प्यार करते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ डालना है मुझे सोशल मीडिया पे ताकि लोग मुझे नोटिस करें। तो ये सारी चीजें आती हैं सोशल मीडिया पे तो, बट हर चीज सही हो ऐसा नहीं है। और हम लोग जैसे लोग हैं, हम लोग एक्टिविस्ट लोग हैं, हम लोग बिना कोई एविडेंस बिना कोई चीज अगर हम भी ऐसे धकाधक नरेंद्र मोदी जैसा फेंकना चालू कर दें तो फिर पता नहीं हमारा भी कल को जो एक क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। आज लोग विश्वास करते हैं कि अगर मैं कोई तथ्य बोलता हूं तो विद एविडेंस बोलता हूं कि भाई ये उसका एविडेंस है, ये बात ऐसी है। कल को अगर हम भी ऐसे ही फेंकना चालू करें तो फिर खत्म हो जाएंगे सर। बट इनके केस में 99.99% जो सुसाइड हुआ है वो आत्महत्या ही है। मुंबई पुलिस बेस्ट पुलिस है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो कभी भी इसमें मस्टेक या गलती नहीं करेगी, वो भी इतने हाई प्रोफाइल केस में। तो उनकी जांच व्यवस्थित है और जब इनकी चार्जशीट आएगी तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी कि उन्होंने क्यों किया ये सारी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये चाइना का टिकटॉक जो बैन हो गया इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? 58 ऐप्स उसके अलावा भी बैन हुई हैं, इस पे काफी उठा था मुद्दा, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हमने बदला ले लिया चाइना से? हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं सर जी, और हम ऐप डिलीट कर रहे हैं। ये वैसे ही हो गया कि किसी ने मेरा घर हड़प लिया है, मेरे रूम के अंदर जाके कब्जा कर लिया है और मैंने उस व्यक्ति का मोबाइल से नंबर डिलीट करके खुश हो गया हूँ कि मैंने उसका मोबाइल नंबर डिलीट कर दिया, अब मेरा बदला पूरा हो गया, मेरा घर तो चला गया ना, मेरे लोग तो शहीद हो गए ना। और ये सरकार की नाकामी है, वो दिखाती है, वो चाइना का नाम तक नहीं ले रही, उसके पीछे कारण है जो चाइना का नाम क्यों नहीं ले रही, क्योंकि चाइना का ना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें उनका पैसा लगा हुआ है, जितने भी आप समझिए बैंकिंग इंडस्ट्री है उसमें उन्होंने लोन दे के रखा हुआ है चाइना गवर्नमेंट की तरफ से, चाइना बिजनेसमैन की तरफ से। अगर ये चाइना का नाम ले ले, वो 5 मिनट में अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ले, भारत जो है घुटनों पे आ जाएगा। बैंक ऑफ चाइना खुल गया है आपके वहां पे मुंबई में? इसके अलावा सभी मुंबई में ही खुला हुआ है सर, ये परमिशन आरबीआई ने दी है उसको, और जो काम करती है हमारे वित्त मंत्री के अंडर में। तो कहीं ना कहीं कैसा होता है सरकार, आप सोचिए ना, नरेंद्र मोदी जी इतना होने के बाद भी आज तक चाइना शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि वो डूबे हुए हैं उनके कर्जों में, उनके जो इन्वेस्टमेंट है, उनके जो प्रोजेक्ट्स है, अगर वो एक हाथ हटा लेना तो जैसे दूसरे देशों में वो कब्जा करके बैठा है चाइना, लोन देता है पहले, उसके बाद आपको, आप दे नहीं पाओगे तो उसके बदले में कोई ना कोई आपका एसेट वो ले लेगा, जो नॉर्मली बिजनेस का टर्म है, यही टर्म पे इन्होंने भारत को देके रखा हुआ है। वो चाह अगर इसमें से वो हटाना चाहे तो ये अभी बर्बाद हो जाएंगे, अभी तो ऑलरेडी देश बर्बाद कर ही चुके हैं, ये अब अपना कोई ना कोई हिस्सा, कोई ना कोई राज्य उनके पास गिरवी रखना पड़ जाएगा, इसी के लिए ये बच रहे हैं उसको। लेकिन इनको कुछ दिखाना भी है कि हम कुछ कर रहे हैं, चाइना से बदला ले रहे हैं, उसके लिए भाई ये ऐप डिलीट कर दो, झंडा पकड़ लो, टीवी फोड़ दो, यही सब करा सकते हैं ना। सरकार तो नाकाम है।
जहाँ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, जहाँ पे इम्पोर्ट बंद करना चाहिए कि भाई अगर इम्पोर्ट हो भी रहा है तो उसकी ड्यूटीज आप बढ़ा दो ना, बदला लेना है तो ऐसे ले लो, उसका व्यापार ही खत्म कर दो, वो चाइना में प्रोडक्ट आएगा ही नहीं तो बिकेगा क्यों मार्केट में। और देश की जनता ये सब चीजें नहीं समझती ना, देखिए कैसा है। आप अगर एक स्मार्टफोन लेने जाए वो 45,000 हर बंदा नहीं ले सकता, बट वही फीचर्स वही सारी चीजें अगर आपको 8,000 में मिल रही है तो क्यों नहीं लेगा वो बंदा। वो ये नहीं देखेगा कि हमारे जवान शहीद हुए हैं कि हमारा क्या हुआ, वो देखेगा मेरा 8,000 रुपए में काम हो रहा है। बिल्कुल, भारत की जनता अगर ऐसी मानसिकता जब तक है, वो भी है भारत की जनता में, नहीं तो मोदी जैसे लोग चुन के नहीं आते प्रधानमंत्री। ये होता है, आपकी बात सही कही, जुमलों पे या फिर थोड़ी थोड़ी चीजों में खुश हो जाते हैं और डिसीजन ले लेते हैं। वो नहीं देखते कि हमारे कितने जवान शहीद हुए, हमारा क्या हुआ, वो देखते हैं 8,000 रुपए में मेरे को आईफोन मिल रहा है ना, मैं ले। बिल्कुल बिल्कुल, 8,000 में आईफोन के टाइप का मिलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से हम लोग अपना मुंह नहीं भंग कर पाते उसकी तरफ से। आखिरी के दो सवाल आपसे पूछे जाएंगे मीना जी, आखिरी के दो सवाल दोनों ही कानपुर से रिलेटेड है, और कानपुर में अभी दो घटनाएं हुई है, एक आपका बालिका गृह वाला हुआ था, उसमें आपके विचार जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल कुछ, अभी वो पिक्चर से गायब हो गया, आपको सारी घटना पता, उसके बारे में आपने कुछ विचार रखे। देखिए कानपुर का जो घटना है वो ये नई बात नहीं है, हमारे देश में जितने भी, ऐसा नहीं है कि कानपुर का ही है, जहां पे भी बच्चों को या बालिकाओं को रखा जाता है वहां पे ये नॉर्मल बातें हैं, उनका शारीरिक शोषण होना, उनको टॉर्चर करना वहां के लोगों द्वारा, वहां के गार्जियन द्वारा। तो लेकिन जो पकड़ा गया वो चोर है, कानपुर में चीजें बाहर आ गई इसके लिए उनका अभी नाम हो रहा है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई भी राज्य हो, जिन जिन राज्यों में ऐसे चीजें हैं वहां पे ये चीजें होती ही होती हैं। जिस तरह से हम लोग जेल जाते हैं, हमें पता होता है कि हर जेल में वहां का क्या प्रोसेस है, बाहर से दिखाया जाता है कि भाई सब बेहतरीन है सब कुछ है, लेकिन हम लोग आरोपी के तौर पे जब अंदर रहते हैं उनका बिहेवियर, वहां का खाना, वहां का बर्ताव हमें पता होता है, लेकिन नॉर्मल पब्लिक को क्या लगता है सब कुछ व्यवस्थित है। ऐसा नहीं है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये चीजें वहां की सरकार के फेलियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और दुखद था मेरे हिसाब से, मैं इस पे, क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल मुद्दा है, इस पे महिलाएं खुद ज्यादा से सामने आई, आपने देखा होगा काजल निषाद जी हैं बिहार से, कितनी ही महिलाओं ने आके इनको गालियां दी, तबियत से गालियां दी, क्योंकि उनका एक हक होता है, मैं भी बेटी का बाप हूं, मुझे भी उसकी पीड़ा है, लेकिन कैसे है कि मैं गालियां दूंगा तो फिर वो थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती। बिल्कुल, काजल निषाद जी का आपने नाम लिया, काजल निषाद जी तो काफी अच्छा, मतलब उन्होंने चेंज किया अपने आप को, कहां से वो 2003 से उन्होंने करियर स्टार्ट किया था, राज्य कैसे उन्होंने कहीं का वो भी शिकार, उन्होंने कहीं आपको तो नहीं कॉपी कर लिया, आपकी भाषा को तो नहीं कॉपी कर लिया, थोड़ी सी झलक दिखी मुझे उसमें। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा उनका पहला वीडियो आप देखो, उनका पहला वीडियो आप देखेंगे ना तो बहुत ही सौम्य तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, उसमें मुझे नहीं लग रहा था किसी को भी आपत्ति होनी चाहिए। वो वीडियो आने के बाद अंडभक्तों ने उनको गाली गलौज की, उनकी माँ को गाली दी गई, उनको अलग अलग तरीके से ट्रेड दिया गया, गैंग रेप कर देंगे, ये कर देंगे, उसके बाद कोई भी महिला क्या होती है, चुप हो जाती है। बट काजल निषाद जी के केस में उल्टा हो गया, वो बैकफायर हो गई काफी। और यही चीज मैं, ये जो मैं करता हूँ, यही ये सब दौरों से गुजरने के बाद आदमी के पास यही होता है, या तो अपनी आप अपना आवाज बंद करो, ये यही करते हैं, सोशल मीडिया पे आपको टारगेट करेंगे, ट्रोल करेंगे ताकि आप चुप हो जाओ। जो इसमें सस्टेन कर गया वो देखते ना, हम लोग भी देखते कि भाई मेरी तो ऑलरेडी बेइज्जती कर ही दी हो तुम, तो कैसा होता है, गाली आके मेरे फैमिली भी है वहां पे, मेरे रिलेटिव है पोस्ट पे, मेरे फेसबुक पे, वो लोग देखते हैं कि अरे यार ये साला कोई भी आके गाली देके चला जाता है, अब मेरे पास क्या रह जाता है, या तो मैं फेसबुक डिलीट कर दूं, अपनी आवाज बंद कर दूं, घर पे बैठ जाऊं, मेरा समाज में सम्मान बना रहेगा। दूसरा तरीका होता है कि इनकी मां बहन कर दूं। हम जैसे बहुत कम लोग हैं जो रिटेलिएट करते हैं, जो इनको काउंटर करते हैं, यहां भाई तू आ जा, वही काजल निषाद के साथ हुआ। वो अगर हैरेस नहीं हुई होती तो आज नरेंद्र मोदी जी, चड्डा जी, योगी जी की वो लुंगियां ना उतार रही होती, इनके ही अंडभक्तों की वजह से ही लोग, हम जैसे लोग तैयार होते हैं, ये तैयार करते हैं अपने विरोधी, खुद तैयार करते हैं और तैयार होने के बाद फिर भाग जाते हैं, अब कोई नहीं आता सामने, ये ज्यादा से ज्यादा गालियां ही दे सकते हैं ना, हम लोग तो इनकी रोज चड्डी खींचेंगे। जी जी, आज अब आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी जो सबसे रिसेंट एक हादसा हुआ है जिसमें हमारे 8 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, और उसको उसमें नाम आया है विकास दुबे का, और उनके घर को आज कल की डेट में तोड़ भी दिया गया, क्या ये घटना तोड़ना सही था, एक तो ये सवाल है मेरा कि आपने इससे सबूत नहीं सारे मिटा दिए, या आपने ये घटना किस कानून के अंतर्गत में की, ये मैं जानना चाहूंगा आपके थ्रू। दूसरा कि इसमें एक एसओ का नाम भी आया है जिनका नाम है विनय तिवारी, तो उनके बारे में भी आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या
जो उन्होंने किया है उनको कैसे, मतलब हम लोग किस नाम से अब डिनोट करें सोशल मीडिया पर, कैसे बोलें, क्योंकि लोग नाम से पहचान जाते थे पहले कि वो कौन से हैं लोग, ये मेरा क्वेश्चन। कैसा है कि पहली बात तो जो घटना हुई वो बहुत ही दुखद है, हमारे 8 होनहार जवान शहीद हुए हैं। आतंकी विकास दुबे जो है, मैं आतंकी कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी निरपराध की हत्या करना आतंक में आता है, उसको आतंकी कहा जाता है हत्या होने पर, तो वो हत्या है, उसने आतंकवाद किया, आतंक है, आतंकी है वो। लेकिन अब जो चीजें हो रही है ना वो आउट ऑफ द लॉ हो रही है। आज आप उसका घर तोड़ के गिरा दियो, नो डॉल, एक गुस्सा होता है मन में, हमें रिएक्शन देना होता है, हमने दे दिया, उसकी गाड़ियां तोड़ दी। लेकिन जो आप एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो कानूनी शब्द है कि आपने एविडेंसेस मिटा दी, उसी घर से फायरिंग हुई थी, वहां पे बुलेट्स गिरी होंगी, फायर गन के पाउडर होंगे, जो टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ, जो पुलिस की लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें एविडेंसेस होती हैं। जिस छत पर से फायरिंग हुई वहां पे गन फायर होगा, फॉरेंसिक में वो गन के फायर फुटप्रिंट्स होंगे, जूतों के निशान होंगे, हाथों के निशान होंगे, वो सारी चीजों को जमीन दोस्त कर दिया गया। जो एविडेंसेस थे, जो मिलने की संभावना थी कि भाई जिस छत से फायरिंग हुई है, गोलियां या छर्रे या जूतों के निशान या उंगलियों के निशान, जिससे हम आरोपी को, असली आरोपी को पकड़ सकते थे, वो सब वहां पे सिर्फ एक बोलते हैं ना, मेरे हिसाब से एक बेवकूफी हुई है वो घर तोड़ना, गाड़ी तोड़ने की वजह से। बट एक गुस्सा दिखाना था इनको कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, योगी जी वो दिखा रहे थे वहां। मतलब कल को आपका कहना ये है, विनय जी ये बताइए, कल को आम पब्लिक के साथ ऐसा होता है तो क्या पब्लिक भी ऐसा कर सकती है, रिटेलिएट जाके जिसने उसको मारा है उसके पूरे घर को उड़ा दे? सवाल ही नहीं, ये गवर्नमेंट का ये पूरा विशेष अधिकार पुलिस के पास ही होता है। आप सोचिए ना, आज तक के इतिहास में कभी भी ये इस तरह की प्रक्रिया नहीं हुई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ बदला लेना था तो आप ये कर सकते थे कि उसके घर को, उसकी जमीन को आप सीज कर देते, उसको नीलाम कर देते, और उस नीलामी जो पैसा मिला होता वो पैसे से आप इन 8 लोगों को दे देते, पूरा का पूरा पैसा इन 8 लोगों को दे। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात, ये बात इस बात का सब समर्थन करता पूरा देश करता। ये कैसा होता है कि इसमें हमारे जो शहीद हुए उनका परिवारों को भी एक अपनी तरफ से बोल सकते हैं कि एक हरजाना या एक उनकी तरफ से एक छोटा सा भेंट हम दे सकते थे, इनकी ही प्रॉपर्टी, जिसने मारा है उसकी प्रॉपर्टी बेचो, उसकी गाड़ी। सिर्फ वो जो फॉर्च्यूनर और ये स्कॉर्पियो वगैरह जो थी वहां पे, अगर ये दो गाड़ी भी अगर आप मार्केट रेट पे बेच देते तो हर बंदे को कम से कम एक 5-5 लाख रुपए आराम से मिल जाते, ताकि उनका भविष्य, उनके परिवार का भविष्य चल पाता था। घर की जमीन आप गिरवी रख के उसको नीलाम कर देते, ये होना चाहिए था। जो कानून प्रक्रिया है, कानून हमें रिटेलिएशन नहीं सिखाता है किसी भी कीमत पे आपको। जो चीजें वहां हुई है वो, जो चीजें वहां हुई है वो किसी भी कानून के बुक में नहीं लिखी गई है, ना किसी धाराओं में है। इस तरह की कार्रवाई सिर्फ एक गुस्से का अपना प्रभाव होता है, एक दिखाना होता है कि भाई मेरा बुलडोजर चलेगा, यहाँ मेरे हिसाब से रूलिंग होगी, देश कानून, कानून व्यवस्था, आईपीसी हम नहीं मानते। ये दिखाने के लिए एक शो ऑफ का तरीका था, उसमें नुकसान पुलिस का ही हुआ है, एविडेंसेस खत्म हो गए। कल को वो बंदा बोल सकता है कि भाई वहां पे कोई गन थी नहीं, आप कैसे प्रूफ करोगे? उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, स्पॉट जो क्राइम स्पॉट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे कोई जुर्म होता है। आप समझिए, मैंने गाड़ी में वीडियो बनाया था मेरे, वो मेरी गाड़ी अभी भी जमा है, वो एविडेंस है। अगर पुलिस आती या वो गाड़ी को तोड़ देती तो कल को मैं बोल सकता था भाई आओ गाड़ी प्रोड्यूस करो जिसमें मैंने अपराध किया है, वो घर दिखाओ जिस छत पे मैंने से गोलियां चलाई, वो छत ही नहीं है, कोर्ट में फिर से वो इज्जत भरी हो जाए। यही बात, यही बात, एविडेंसेस नहीं मिलेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो जिस तरह से आप विनय तिवारी का नाम ले रहे हैं, ये चीजें नॉर्मल है। आज हर अपराधी का हर पुलिस वालों से कनेक्शन होता है, हर पुलिस वाले का हर नेता से कनेक्शन होता है, हर जगह से उनको जहां से फायदे आते हैं वो अपने आकाओं के लिए एकदम बोलते हैं ना कट्टरता से खड़े हैं। भले हमारे जवान मर जाएंगे चलेंगे, लेकिन हम अपने मालिक को नाखुश नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से लाखों करोड़ों रुपए का हमारा आदान प्रदान होता है। ये तो व्यवहार सबके साथ में है, ये ऐसी सरकारें हैं, मतलब आज बीजेपी है इसकी वजह से ऐसा है, ऐसा नहीं है। जितनी पुरानी सरकार है सभी ने अपराधियों को पाल रखा है। आज मैं भी कुछ एक्टिविटी करता हूँ तो मेरे भी कुछ मित्र हैं जिनसे मैं सलाह लेता हूँ, वो पुलिस विभाग में है, वो अपराधियों के कैटेगरी में भी आते हैं, तो उनसे एक सलाह, एक हमारा एकदम व्यक्तिगत रिलेशन होता है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये रिलेशन मेंटेन करना सारे डिपार्टमेंट में है, और उसी का खामियाजा ये हमारे जो शहीद हुए हैं जवान उसके हिसाब से हुआ है, और ये इनकी खुद की बनाई हुई ये चीजें हैं। इन्होंने अगर एक अपराधी पहला अपराध करता है, अगर उसकी उसको सजा मिल जाए तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो 60 FIR तक इसको जाने देते हैं, बाद में क्या होता है ये खुद ही इनके ऊपर बैकफायर हो जाता है। इनका नाम टॉप 25 में भी नहीं था,
जो लिस्ट गई थी एसटीएफ के पास। क्या होता है, सरकार और पुलिस खुद अपराधी को छूट देती है, उसको अपराधी बनाती है, बाद में अगर ये अपराधी इन्हीं की बैंड बजा दे तो फिर वो आरोपी हो जाता, फिर उसकी तलाश चालू होती है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आया, अगर किसी कोरोना जैसी महामारी की स्थिति में अगर कोई एक बंदा एक डॉक्टर पे पत्थर मार दे या पुलिस पे पत्थर मार दे, योगी जी उस पे रासुका ला देते हैं, इस बंदे पे अभी तक रासुका क्यों नहीं आई? घर तोड़ के एविडेंसेस हटाने का या गाड़ियां तोड़ के एविडेंसेस खत्म करने का सुझाव किसने दिया? ये उसके लिए है कल को ये आरोपी जब कोर्ट में मामला जाएगा, अगर इनकाउंटर नहीं होता है, अगर कोर्ट में मामला जाएगा तो वहां पे बिना एविडेंसों के अभाव में ये बंदा फिर छूट जाएगा। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको आरोपी बना के जेल में डालने की तैयारी है या उसको बचाने की तैयारी? जी सही कह रहे हैं, कार्रवाई मतलब समझ के बाहर थी, उसको बचाने की कि उसके पीछे जो लोग हैं उनको बचाने की। ये तो शायद मारा भी जाएगा लेकिन उसके पीछे कुछ लोग को बचाने की तैयारी हो सकती है। मैं बोल रहा देखिए सबके आका होते हैं, उसके भी ऊपर के जो लोग हैं शायद मिनिस्टर होंगे या किसी भी, क्योंकि आज तक बंदा अगर 60 FIR 60 जघन्य अपराधों में अगर बचा हुआ है तो 100% उसके ऊपर कोई बड़ी ताकत है जिसकी वजह से वो संरक्षण उसको मिला है, वो ना फंस जाए इसकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, इनकाउंटर 100% होगा, यही केस और होना चाहिए। यही केस देवेंद्र केस सिंह में भी हुआ था, DSP जो पकड़े गए थे, मतलब ऐसे ये सब में आपके ऊपर वाले लोग जो फंसने वाले होते हैं उसकी वजह से ही सबको बचाने के रास्ते खोल दिए जाते हैं, ये कह सकते हैं। कोई मरना नहीं चाहता सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी के दो छोटे छोटे आपसे क्वेश्चन है, एक तो आप, आपको क्या हम विनय दुबे को मोदी विरोधी कह सकते हैं? जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि मैं बीजेपी एंटी बीजेपी हूं, तो आप एंटी बीजेपी या मोदी विरोधी? मुझे गर्व होगा अगर ये शब्द से आप मुझे संबोधित करेंगे। अच्छा जी, मैं कट्टर बीजेपी विरोधी, मैं कट्टर मोदी विरोधी हूं, और ये बोलने में मुझे गर्व महसूस होता है, कोई शर्म नहीं। नहीं, आपने काफी बेबाकी से हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है, और आपका ये बिंदास तरीका, सभी लोग वही आपकी पहचान भी है सोशल मीडिया पे। और जाते जाते हमारे दर्शकों से, मरना सबको है सर जी, आज लोग कोरोना से मर जाते हैं, कोई कैंसर से मर जाता है, कोई हार्ट अटैक से मर जाता है, अगर भगवान ना करे कोई बीमारी से ना मरे व्यक्ति, तो राह चलते हुए पीछे से ट्रक आके उड़ा के चली जाती है, नहीं कुछ हुआ तो घर में बैठे बैठे इलेक्ट्रिसिटी लग करंट लग जाने से मर जाता है जी। तो मरना तो सबको, ऐसा है नहीं कि कोई बचेगा इस धरती पे, जो आया है वो जाएगा, लेकिन मैं जो सोचता हूँ कि भाई जब तक हूँ अपनी बेबाकी अपने निडर, क्योंकि मैं क्यों डरूं किसी से, ज्यादा ज्यादा मेरी हत्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते, मेरा इससे बुरा कुछ हो सकता है क्या आपके साथ? बस ये डर निकल जाए, ये डर निकल जाए तो फिर क्या बात है सभी का, सभी हमारा देश में क्या क्रांति आ जाएगी। यही चीज मेरे अंदर है कि इससे बुरा, इससे छोटी चीज ये कर भी नहीं सकते, सिर्फ हत्या के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं जी, बिल्कुल। या मुझे सड़ा देंगे जेल में, क्या मेरा बिगाड़ लेंगे? वो जेल जाने का, वो जेल जाने का डर भी आपके मन से जा ही चुका है, वो उन्होंने ही निकाल दिया है। कितनी बार जेल हो चुकी है कि अब वो चीजें निकल चुकी है, इसके लिए जो मेरा शब्द कैसा होता है ना, फिर एक डर आपके अंदर से खत्म हो जाता है, या तो जेल या तो मार ही देंगे, इससे ज्यादा बुरा और क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये निडरता अपने आप आ जाती है सर, आपको जब ये सारी चीजों से ऊपर आ जाते हैं तो आपको कोई चीज का फर्क ही नहीं पड़ता जी, बिल्कुल। और अब आप लास्ट में हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहते हैं जाते जाते? एक छोटा सा संदेश है आपके माध्यम से सभी लोगों को जो ये देख रहे हैं, उनको एक ही कहना चाहूंगा कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना सीखिए, क्योंकि अगर आज आपके चार घर छोड़ के किसी के घर में आग लगी है और आप संतुष्ट हैं कि अरे वो भी चार घर दूर है, तो आग जो है ना आपके घर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लेगी, और जब खुद का घर चलेगा तो आप चिल्लाओगे कि अरे मदद करो मदद करो, जब वो चौथा घर चिल्ला रहा होता है ना कि मदद करो, तभी आप बाल्टी का पानी लेके अगर उस तक पहुंच जाते हैं तो आज आपका भी घर सुरक्षित होता। यही हालत देश के अंदर है, हम देखते हैं कि अरे यार मुसलमान परेशान है, दलित परेशान है, वो परेशान है, ये परेशान है, उसको देख के हम खुश, अरे हमारे तक तो नहीं आई है ना, जब आपके ऊपर आएगी तब आप चिल्लाने जाओगे कि अरे मेरा कोई मदद नहीं कर रहा, मैं इस समाज से हूँ, इस पार्टी से हूँ, इसका हूँ। तो आपको हर गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि वो गलत जो है आज दूसरे के ऊपर है, कल आपके ऊपर 100% आएगी, और अगर आप आवाज नहीं उठा रहे तो आप सबसे बड़े जिम्मेदार आप खुद हैं आपके बर्बादी के। बस बहुत अच्छा लगा विनय जी, आप एक्स न्यूज 24 को, एक्स 24 न्यूज को हमने आपने टाइम दिया, और आपसे फिर आगे भी हम मिलते रहेंगे,
और ये हमारे चैनल का भी पहला इंटरव्यू था और मेरे ख्याल से शायद आपका भी मीडिया पे पहला इंटरव्यू था, तो इसके साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू। तो ये थे विनय दुबे जी, इन्होंने सभी सवालों के जवाब बहुत ही बिंदास तरीके से दिए। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हम आपके सामने इसी प्रकार अलग अलग शख्सियतों से मिलाते रहेंगे। हमारे चैनल को, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।